हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, मैं चंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर क्लास को काफ़ी एंजॉय किया होगा। उसमें अब तक हम लोगों ने पदार्थ के बारे में जाना, पदार्थ को कितने प्रकार से बांट सकते हो इसके बारे में समझा। वहाँ पर हमने अलग अलग करके सॉलिड, लिक्विड और गैस के गुणों का अध्ययन किया। और जब हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ चुके थे तो अब हम उसी ठोस का वर्गीकरण करने के लिए जा रहे हैं। ठोस के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा, जितने भी सॉलिड होते हैं उसका निर्माण या कोई भी पदार्थ होते हैं उसका निर्माण अवयवी कणों के मिलने से हो सकता है। और ये अवयवी कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। और यही अवयवी कण यदि बहुत मजबूती से एक दूसरे से को जकड़ के रखे तो ठोस का आकार या ठोस की आकृति बनती है। तो सवाल ये उठता है कि सॉलिड के बारे में तो हमने ये क्लास को पढ़ लिया कि ठोस का निर्माण कैसे होगा, और आज की क्लास में हम लोग जानने के लिए चाह रहे हैं कि ठोसों का वर्गीकरण। तो अब सबसे पहली बात ये उठता है कि आप वर्गीकरण का आधार क्या बना रहे हो। कारण, किसी भी चीज को आप वर्गीकृत करते हो तो इसके लिए आपको यह जानने की आवश्यकता पड़ती है कि आपका आधार क्या है। जैसे अगर हम बात करें, अभी जैसे कोरोना महामारी फैला हुआ है तो इसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है वैक्सीनेशन के लिए कि जो व्यक्ति 45 साल प्लस वाले हैं उसे पहले वैक्सीन मिलेगा। फिर जैसे गवर्नमेंट का नियम फिर आएगा नहीं, चलो 45 से लेकर के 30 तक की एज के लिए फिर मिलना होगा, फिर 30 से 15 साल की उम्र तक के लिए व्यक्तियों को फिर वैक्सीन मिलना है। तो मतलब यहां पे जो हम लोगों ने वर्गीकरण किया, व्यक्ति को जो वर्गीकृत किया तो हमारा आधार क्या था, उम्र था आधार। कहीं पर आर्मी वगैरह की बहाली में अगर दी जाते हैं तो वहां पर आधार क्या रहता है, उसकी लंबाई आधार होती है। तो उसी प्रकार से अभी जो हम लोगों को ठोस का वर्गीकरण करना है अर्थात ठोस को जो बांटना है उसका आधार क्या है, तो उसकी ज्यामितीय आकृति। ध्यान से समझिएगा, ठोसों का वर्गीकरण, इस वर्गीकरण के लिए हमने आधार क्या बनाया, उसकी ज्यामितीय आकृति कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम ठोसों को वर्गीकृत करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हमने हेडिंग भी दे दी है आपको, ठोसों का वर्गीकरण किसके आधार पे, ठोस दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे बाबू, ज्यामिति के आधार पे। कौन कौन से, एक हमारे होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस इसी को इंग्लिश में आप एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। कंप्लीट, एक एक करके मैं इसका परिभाषा देती जा रहा हूं, जिन्हें नोट्स बनाना होगा वो आराम से नोट्स बना लेंगे। फिर आप सभी को मैं ये बता दूं कि पूरा का पूरा यूट्यूब पे 12th क्लास का फ्री में टोटल पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी छात्र चैनल पे नए जुड़े होंगे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे ताकि प्रत्येक दिन आप हमारे इस क्लास में जुड़ पाएं। और बीच बीच में आपको लाइव क्लास भी दिया जाएगा, जिस लाइव क्लास में जहां पर भी आपको कुछ समस्याएं होती है आप उस समस्या को लिखोगे, मेरा कोशिश रहेगा कि आपके हर प्रॉब्लम को मैं दूर करूं। उस समस्या के आधार पे भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, उस टॉपिक का फिर से वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा जहां पर आपके सारे सवालों का आंसर भी रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ठोस दो प्रकार के हैं, एक है हमारे पास में क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमारे पास में अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमोर्फस सॉलिड। तो पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कहां किसे जाता है। हमने पहले एक आधार बनाया, किसके आधार पे, उसकी ज्यामितीय आकृति के आधार पे। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, वह ठोस जिसकी एक निश्चित संरचना होगी, जिसकी एक निश्चित आकृति होगी, जिसका एक शेप निश्चित होगा वो हमारा कहलाएगा क्रिस्टलीय ठोस, और जिसका शेप आकृति निश्चित नहीं होगी वो हमारा कहलाता है अक्रिस्टलीय ठोस। इसको हम लोग साधारण लैंग्वेज में पढ़ लिया हमने, कंप्लीट। अब इसको दूसरे लैंग्वेज अगर देहाती हम लोग कुछ ऐसा करें, एग्जांपल लेना चाहें
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में, तो आप देखेंगे कि अगर यदि बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक बात होता था, जब एक्सरसाइज वगैरह कराने के लिए या प्रार्थना कराने के लिए हम लोग बाहर जाते थे, बाहर फील्ड पे लाइन लगते थे, तो लाइन में आपने देखा होगा वहां पे क्या होता था कि चलो या तो क्लास वाइज लाइन लग जाता था, या फिर ऐसे होते थे कि छोटे बच्चे आगे होंगे, बड़े बच्चे उसके पीछे, बड़े बच्चे उसके पीछे, ऐसे करके लाइन लगता था। एक निश्चित आकृति में, मतलब निश्चित कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने का, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा ले लिया जाता है जो निश्चित शेप में है कि चलो भैया जो छोटा वाला है वो लड़का आगे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे, और वहां पे एक लाइन जो रहता था फिक्स रहता, चलो इसके सीधे में ही आएगा, बगल वाले के सीधे में फिर दूसरा वाला आएगा, उसके बाद में तीसरा वाला आएगा, और हर जगह पे गैप एक निश्चित रहता था। हम लोगों ने बचपन में ये चीज किया होगा, तो जिस समय में व्यक्ति वहां पे, जिस समय में स्टूडेंट या फिर हम लोग वहां पे रहते थे, तो एक निश्चित शेप में था, तो वो हमारा सिंपल देहाती लैंग्वेज में हम कह सकते हैं वो किसका एग्जाम्पल, क्रिस्टलीय का। लेकिन जैसे ही वहां पे घंटी बजा, यानी घंटी बजा आपका, जैसे ही छुट्टी हुआ, छुट्टी किस चीज के लिए, एक्सरसाइज से छुट्टी होना है, अब जाना है कहां पे आपको, क्लासरूम की तरफ मूव करना है, तो वहां पे फिर ये नहीं रहता था नहीं बड़ा बच्चा आगे है कि छोटा बच्चा आगे है, जैसे तैसे करके फटाक से वहां से दौड़ा, सभी अपना अपना क्लास की ओर भागेगा। जब सभी अपने अपने क्लास की ओर भागेगा, अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से ही आप जाओगे, या नहीं तो ऐसा हो सकता है वहां पे घंटी बजा फील्ड पर से सभी बच्चा दौड़ करके आएगा अपने अपने क्लास, तो उस समय में अरेंजमेंट क्या हो जाता है, जैसा तैसा हो जाता है, कोई बच्चा कहीं, कोई बच्चा कहीं, कोई बच्चा कहीं है। तो ये जो है हमारा कौन सा, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन हमने इसका तुलना ठोस से किया था इसीलिए, तो ये तो देहाती लैंग्वेज में हमने बताया। अब हम लोग इसी को केमिस्ट्री के रूप में कैसे पढ़ते हैं उसको समझिए। हमारे पास में दो तरह के सॉलिड आए, एक क्रिस्टलीय, दूसरा कौन सा, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में सिंपल सा आपने क्या समझा, वह ठोस, ऐसा ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा, और जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगी वह अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। आप इसको मैंने लिखा है, इसको परिभाषित भी मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी इस परिभाषा पे। जब किसी ठोस में अणु, परमाणु अथवा आयन एक निश्चित क्रम में नियमित तरीके से व्यवस्थित होते हैं, यानी जब किसी ठोस का निर्माण में जो अवयवी पार्टिकल है, अवयवी कण है, तो हमने पहले ही बताया था ठोस के निर्माण में अवयवी कण कौन हो गए, या तो आपको अणु होगा, या परमाणु होगा, या फिर आयन होगा। यानी जब किसी ठोस के निर्माण में उसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, जैसे अभी हमने स्टूडेंट का एक एग्जांपल लिया था, एक निश्चित क्रम में होता है, जिस समय एक्सरसाइज कर रहा होता है, एक निश्चित क्रम में नियमित तरीके से व्यवस्थित होते हैं, तो वह कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन जैसे घंटी बजा, जहां तहां हो गया, तो वह अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसके लिए कोई निश्चित नहीं होता कि ये बच्चा यहीं पे रहेगा, वो अब कहीं भी मूव कर सकता है। तो यही चीज है हमारा कहना कि जब किसी ठोस में उपस्थित अणु, परमाणु अथवा आयन किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, जहां मर्जी वहां जाएगा, या फिर अथवा अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, तब जो सॉलिड का निर्माण होगा वह हमारा कहलाता है कौन सा, अमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस। कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल आप ले लीजिए, जिसे क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, आपका हीरा हो जाता है, ग्रेफाइट है, बर्फ है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सभी के सभी क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। वहीं यदि अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में चर्चा किया जाए, तो आपके पास में कांच है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सभी चीजें आपके कौन से है, अमॉर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। अब सवाल उठते हैं, हमने एग्जाम्पल तो अभी दे दिया, एग्जाम्पल को अभी मैं समझाने के लिए भी जा रहा हूं कि आपको कैसे ये समझ में आ जाएगा कि कहां पे निश्चित संरचना होती है और कहां पे अनिश्चित संरचना होती है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा जरा यहां पे गौर करना सभी, इस ग्राफ में जरा सभी ध्यान देंगे, ये हमारा क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड का कुछ फिगर हमने आपको दिया है। एक तरफ में हमारा क्रिस्टलीय सॉलिड है और दूसरी तरफ में हमारा अक्रिस्टलीय सॉलिड है। हमने अभी बताया कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है वो निश्चित ज्यामितीय आकृति में होता है, उसमें जो भी अवयवी कण होंगे वो एक निश्चित क्रम में होते हैं।
जब निश्चित क्रम में होते हैं, तो यहां पे एक चीज आप सिंपल वे में एग्जांपल के रूप में मैं समझा रहा हूं कि आप ऐसा ले लो, एक पॉइंट हमारा यहां पे ऐसा है, एक हमारे पास में यहां पे एक पॉइंट है, एक गोला है, एक पॉइंट है, एक गोला है, फिर एक पॉइंट है, फिर एक गोला है, फिर यहां पे ले लो एक गोला है, एक पॉइंट है, एक गोला है, एक पॉइंट है, एक गोला है, एक पॉइंट है, फिर यहां पे उसी ढंग से करते हैं, अब एक पॉइंट है, फिर एक गोला है, एक पॉइंट है, फिर एक गोला है, एक पॉइंट है, फिर एक गोला है। तो बहुत बच्चों को यह समझ में आएगा यदि मैं इसके बारे में पूछूं कि यह क्या यह एक निश्चित शेप में है, क्या एक निश्चित क्रम में है, तो बहुतों का कहना होगा सर नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पर गौर से समझिएगा, यदि आप इसको बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो यहां पर जरा गौर करना, हर बिंदु चार गोले से घिरा हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, इस बिंदु के बारे में यदि आप देखोगे तो इस गोले से, इस गोले से, इस गोले से, इस गोले से, ये चार गोलों से घिरा हुआ है और हर गोला चार बिंदु से घिरा हुआ है। यदि मैं इस गोले के बारे में चर्चा करूं, इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से घिरा हुआ है, तो क्या यह एक निश्चित शेप हमारा दे रहा है? तो सिंपल सी बात हमने अभी जो आपको समझाया, क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, वैसा ठोस या वह ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। लेकिन इसी को यदि मैं एक गोला यहां पे, दूसरा गोला यहां पे, इसके बाद यहां पे हम एक पॉइंट लेते हैं, फिर यहां पे गोला लेते हैं, फिर यहां पे पॉइंट लेते हैं, यहां पे पॉइंट, यहां पे गोला, यहां पे पॉइंट, यहां पे पॉइंट, यहां पे गोला, क्या इसमें कोई निश्चित शेप आपको दे रहा है? कहीं गोला है कहीं पे आपका, कोई भी यहां पर निश्चित शेप नहीं बन रहा है। यह हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस का। तो बातें समझ में आ जाती है, क्रिस्टलीय ठोस हमारे क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अब यहां पे जरा गौर करना सभी, क्रिस्टलीय ठोस जो आप यहां पे देख रहे हो, इसमें हर गोला, हर गोले के बारे में यदि आप चर्चा करते हैं तो इसके ऊपर में दूसरा गोला आया है। अब ये चीज मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपका जो ये अरेंजमेंट हो रहा है, गोले के जस्ट ऊपर में रखना है या फिर उन दोनों के बीच में जो रिक्तियां हैं उस पे रखना है, इसके आधार पे भी ठोसों का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ अभी यहां पे ये देखना है कि सर ये एक निश्चित क्रम में, ये क्रम एक निश्चित है, आप ऐसे ले लो क्रम, या फिर देखो ऐसे ले लो क्रम किसी भी ढंग से, या फिर आप ऐसे ले लो क्रम, कोई भी क्रम लेते हैं, यह एक निश्चित क्रम में है। लेकिन यहां पे कोई निश्चित क्रम नहीं बन रहा है, कहीं पे ऐसे गया तो यहां पे नहीं कटा, अब यहां पे ऐसे जाएगा फिर यहां पे सीधा हो जाएगा, कहीं पे यहां पे देखोगे ऐसे गया फिर यहां पे ऐसे आया, ऐसे आया, कोई निश्चित क्रम में नहीं है। तो ये हमारा हो जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या था ये आपने बेहतर ढंग से समझ लिया। अगर भी मैंने जैसे यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है इसी के आधार पर, सोडियम क्लोराइड, ध्यान से समझना, सोडियम क्लोराइड का भी आपको स्ट्रक्चर बनाना अगर यदि होगा तो आप सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। हम यहां पे लिख रहे हैं NaNaCl, NaCl का यदि आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको मिलेगा कि आपका यहां पे Na पे कितना प्लस, 1 प्लस, Cl पे 1 माइनस, Na पे 1 प्लस, Cl पे 1 माइनस, कंप्लीट। फिर यदि बात किया जाए, क्लोरीन यहां पे है, Na प्लस यहां पे है, Cl माइनस यहां पे है, Na प्लस यहां पे है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, Na प्लस यहां पे, Cl माइनस यहां पे, Na प्लस यहां पे, Cl माइनस यहां पे है। तो इसमें अगर यदि आप गौर करोगे तो हर सोडियम प्लस चार क्लोराइड आयनों से घिरे हुए हैं। जैसे यहां पे जरा गौर से देखिए, ये वाला है हमारा सोडियम, ये कैसे घिरा हुआ है इसको जरा गौर फरमाना है सभी को, किस प्रकार से ये घिरा हुआ है। तो इसको यहां पे देखिए, एक क्लोरीन यहां पे है, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन घिरा हुआ है। उसी प्रकार से यदि आप बात करोगे कोई भी क्लोरीन आयन के बारे में, हर क्लोरीन आयन चार सोडियम से घिरे हुए हैं। जैसे इसको यदि हम आगे और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो इसके आधार पे हम यहां पे Na पे 1 प्लस लिख सकते थे, Cl पे 1 माइनस और Na पे 1 प्लस। यहां पे यदि बात किया जाए, हमने किसके बारे में चर्चा किया, क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन हमारा यदि
इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा बैक लेकर के चलें। यहां पे अगर आप देखना चाहो, इसको हम लोग देखने के लिए अब जा रहे हैं इस वाले पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग देखने के लिए किसको जा रहे हैं? क्लोरीन आयन को। तो क्लोरीन आयन में क्या है, हमने जैसा अभी बताया कि इसको भी चार सोडियम, एक सोडियम यहां पे घिरा हुआ, दूसरा सोडियम यहां पे, तीसरा सोडियम यहां पे और चौथा सोडियम यहां पे। यानी सोडियम क्लोराइड की संरचना में हर सोडियम परमाणु या हर सोडियम आयन चार क्लोराइड आयनों से घिरे हुए हैं और हर क्लोराइड चार सोडियम आयन से घिरे होते हैं। कंप्लीट। तो ये है हमारा एक निश्चित ज्यामितीय आकृति। तो हम इसे नाम देते हैं कौन सा सॉलिड, तो क्रिस्टलीय ठोस या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने जो देखा, यहां तक हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण जो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस, यहां पे गौर समझना, क्रिस्टलीय ठोस इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। अभी जो आपको मैंने दिखाया सोडियम क्लोराइड के बारे में, या फिर हमने बच्चों का एग्जाम्पल लिया था कि एक्सरसाइज करने के लिए गया हुआ है फील्ड पे है, तो वहां पर एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। तो यही चीज हमारा है कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होंगे वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। फिर है इसके ज्यामितीय आकृति भी निश्चित होती है। जब भाई एक निश्चित क्रम में अवयवी पार्टिकल होंगे तो उसका जो आकृति बनेगा, जो आकार बनेगा, तो वो भी तो एक निश्चित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, और दूसरे लैंग्वेज में कि इसकी जो ज्यामितीय आकृति होगी वह भी निश्चित होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका गलनांक स्पष्ट होता है। मतलब समझिए, जो भी क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका गलनांक स्पष्ट होता है, कि मीनिंग कि वह एक निश्चित होता है कि चलो भाई ये कोई सॉलिड पदार्थ है, इसका गलनांक 500 डिग्री सेल्सियस है। ये गलनांक के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि वह सॉलिड 500 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। यानी वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जब कोई सॉलिड के बारे में हमने बोला टेम्परेचर उसके लिए फिक्स है कि 500 डिग्री सेल्सियस पे वो गलेगा, तो मतलब जैसे वो 500 डिग्री सेल्सियस से पहले वो ठोस अवस्था में था, जैसे वो 500 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा वो द्रवीभूत हो जाएगा, अर्थात लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। वही यदि हम बात करेंगे इसके आधार पे, आप यदि बात करो एक क्रिस्टलीय सॉलिड है और अक्रिस्टलीय सॉलिड, दोनों को एक साथ लेकर के यदि हम चलें, क्रिस्टलीय ठोस के इसके जो अवयवी कण होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में अभी हमने क्या पढ़ा, इसके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको अंतर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे समझिए, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में होते हैं, या निश्चित रूप से वो व्यवस्थित होते हैं, अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। ये व्यवस्थित नहीं होते हैं, ये व्यवस्थित, इसके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं, यहां पे ध्यान रखना है। अक्रिस्टलीय ठोस में इसके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। कंप्लीट, नहीं छूट गया था, ध्यान रखना इस चीज को। अब आगे, इसका गलनांक स्पष्ट होता है, मतलब जो भी क्रिस्टलीय ठोस होता है वो एक निश्चित तापमान पर ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाएगा। वही यदि मैं बात करूं अक्रिस्टलीय ठोस का, तो अक्रिस्टलीय इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता, ये चीज पे गौर करना, अस्पष्ट नहीं होता है कि मीनिंग क्या होता है, वहां पे अस्पष्ट नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ठोस पदार्थ को जब आप गर्म करेंगे, जो अक्रिस्टलीय ठोस रहेंगे वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद पहले वो मुलायम होगा, और मुलायम होने के बाद वो लिक्विड स्टेट में बदलेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं कि चलो भाई वो मानो कि 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक में वो द्रव अवस्था में परिणत होगा। इस जगह पे हमने एक रेंज लिया कि
कि 10 से लेकर के 30 तक में ये व्यवस्था होगी, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, तो यहां पे अस्पष्ट नहीं है। लेकिन हमने जो अभी पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस में, यह बात अभी पढ़ा अस्पष्ट है, मतलब अगर यदि कोई पदार्थ 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड स्टेट में बदलेगा तो जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसके लिए अगर किसी ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को हम ले जो 100 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाए, अर्थात वो गल करके द्रव अवस्था में आ जाए, तो ये निश्चित है कि इतने डिग्री सेल्सियस पे ये घटना घटित हो जाएगी। लेकिन यही मैं अगर बात करूं अक्रिस्टलीय ठोस में, तो वो एक निश्चित तापमान पे द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, उसके लिए हम एक रेंज लेते हैं कि इतना से इतना तक में ये घटना हो सकती है। समझे बातें आ गई? यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां गलनांक अस्पष्ट और अस्पष्ट का मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर यहां पर समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अगला, इसका शीतलन वक्र असतत होता है और इसका शीतलन वक्र सतत होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, शीतलन वक्र, शीतलन मतलब होता है कि ठंडा कर रहे हो कोई पदार्थ है, गर्म पदार्थ है उसको आप ठंडा कर रहे हैं। तो जब हम लोग लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में एग्जाम्पल लें और इसका शीतलन वक्र के बारे में हम चर्चा करें, तो आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसे ले सकते हो, एक तरफ में हमारा कौन सा है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी साइड में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस। यहां पे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के बारे में भी आपने क्या समझा कि निश्चित ज्यामितीय आकृति इसमें नहीं है, इसका गलनांक स्पष्ट है, इसका गलनांक स्पष्ट नहीं है, इसका शीतलन वक्र असतत है। यहां पे ध्यान दीजिए, इसका शीतलन वक्र असतत होता है, असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस है, यहां पे सतत मतलब उसका कंटिन्यूअस है। तो इसी को आप समझिए कि जब हम इसमें चर्चा करें शीतलन वक्र के बारे में, आपका क्रिस्टलीय ठोस अगर दी कोई है तो उसको जब ठंडा किया जाएगा तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय आपका चेंज होगा, वो ठंडा हो रहा है, कुछ समय के बाद वो हो सकता है स्थिर हो जाएगा, फिर वो ठंडा होना प्रारंभ होगा, फिर कुछ समय के बाद स्थिर होगा, फिर वो ठंडा होना प्रारंभ होगा, यानी कंटिन्यूअस उसका टेम्परेचर गिरेगा नहीं, तापमान घटेगा 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 घटेगा, कुछ समय के बाद वो तापमान थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाएगा, फिर वो घटना प्रारंभ होगा, कहीं पे तीव्र गति से घटेगा तो कहीं पे उसका घटना स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं ये असतत है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में इसका शीतलन वक्र सतत होता है, मतलब यहां पे जो तापमान में गिरावट आएगी ये कंटिन्यूअस ढंग से आपका घटता ही चला जाता है, कंप्लीट हो जाते हैं। ये अंतर भी आपका फाइनल हो गया, इसका शीतलन वक्र क्या होते हैं असतत और इसका शीतलन वक्र क्या होता है सतत होता है, कंप्लीट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह हमारा वास्तविक ठोस है और वही अक्रिस्टलीय ठोस इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, यानी सुपर कॉल्ड लिक्विड इसका इंग्लिश नेम है। ध्यान रखना इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन यहां पे जो आपको समझना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है यही हमारा वास्तविक सॉलिड है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में आपको चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यह विषमदैशिक होता है, क्रिस्टलीय सॉलिड जो होता है यह हमारा विषमदैशिक होता है, जबकि यदि मैं अक्रिस्टलीय सॉलिड के बारे में चर्चा करूं यह हमारा समदैशिक होता है। यह विषमदैशिक और समदैशिक, इसका कहने का मीनिंग क्या है अब आप इसको जरा गौर से समझिए। जैसे कि हमने कुछ देर पहले आपको एक ग्राफ बनाया था जिसमें दिखाया था कि एक तरफ में आपको सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, फिर आपको क्लोरीन है, यहां पे जो एक निश्चित संरचना जो आपने लिया था, फिर हमने क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, यहां पे यदि बात करें सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, यहां पे फिर देखा जाए क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, इसमें यदि आप देखो ये हमारा कौन सा सॉलिड है क्रिस्टलीय सॉलिड है। क्रिस्टलीय ठोस में आपने क्या पढ़ा था, इसके एक निश्चित
ज्यामितीय आकृति होती है। इसमें यदि हमने गौर से देखा था तो हर सोडियम के चारों ओर क्लोरीन, हर सोडियम के चारों ओर क्लोरीन है और हर क्लोरीन के चारों ओर क्या है हमारा सोडियम है। यह विषम दैशिक कैसे है? यह विषम दैशिक अगर यदि आप इसे तोड़ के देखते हैं इन शब्दों को तो आपको यह दिशा पे डिपेंड करने वाला कोई प्रॉपर्टी है यानी कोई गुण है। तो वह गुण जो दिशा के आधार पे आपको दर्शाता हो तो इसमें दिशा के आधार पे आप क्या देख रहे हो? अगर यदि आप एक काम करो कि इसको एक काम करते ऐसे यदि एक लाइन में ले लिया, गौर करना कि हम यहां से देखना प्रारंभ करते हैं, नीचे से हम देखें या फिर हम ऊपर से देखें, आप कहीं से भी अगर देखना चाहो, किसी भी जगह से आप यदि देखना चाहोगे, मान लो नीचे आपकी तरफ आप देखोगे तो आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक तरफ में क्लोरीन, दूसरी तरफ में सोडियम, एक तरफ सोडियम फिर दूसरी तरफ क्लोरीन। यानी अगर इधर की लाइन में देखना चाहेंगे क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, इधर देख दो सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, मतलब आपको एक इधर का जो आपको संरचना देख रहे हो वो अलग है और फिर आपको इधर का अलग है। फिर अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें तो अब आप क्या करोगे? यहां से अगर देखना चाहोगे तो इसके इस तरफ में, यहां पे चर्चा करो, यहां पे हर एक तरफ आपको सोडियम ही सोडियम दिखाई दे रहा है जबकि इस तरफ में हर एक जगह पे आपको क्लोरीन ही क्लोरीन दिखाई दे रहा है। यानी अगर यदि हम इसके गुणों को विभिन्न दिशाओं से देख रहे हैं तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से हमें प्राप्ति हो रही है, तो यही गुण हमारा है विषम दैशिक। यही इसीलिए हम इसे कहते हैं यह विषम दैशिकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर यदि हम बात करें एमोरफस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस का, तो अक्रिस्टलीय ठोस में आपको क्या है कि कहीं कहीं पर आपको कुछ पार्टिकल है, मान लीजिए कि एक अगर यदि कोई, जैसे हमने कुछ देर पहले लिया था कि एक आपका गोला है और दूसरा आपको क्या है डॉट है, तो इसमें आप किसी भी जगह से देखना चाहोगे तो हर जगह पे तो गजमज ही है, किसी भी डायरेक्शन से आपको देखना चाहेंगे तो आपका हर जगह पे जो प्राप्ति होगी, जिस भी गुण की प्राप्ति होगी हर जगह पे समान रहेगा। तो इसलिए हम लोग यह कहते हैं कि यह समदैशिक को प्रदर्शित करता है, जबकि इसके लिए आपने देखा कि ये विभिन्न जगहों पे गुण आपको डिफरेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं यह विषम दैशिकता को दर्शाता है। कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से अभी के क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली बात हमने क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है इसके बारे में पढ़ा, क्रिस्टलीय ठोस के गुणों को देखा, अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों को देखा, फिर उसके बाद हमने उसको वर्गीकृत कर दिया। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिट सेल, यानी जिसका आप लोगों का इंतजार था, वो क्लास इसके बाद आपका प्रारंभ हो जाएगा। यानी वास्तव में आपको सॉलिड स्टेट में जो मजा देने वाला टॉपिक आ जाते हैं वो है हमारा यूनिट सेल। यहां से आपको न्यूमेरिकल वगैरह सारा कुछ प्रारंभ हो जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो भी आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर क्लास में। धन्यवाद।